नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएचटीवी बिहार। एनएचटीवी बिहार में मैं रामानंद सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की मुख्य समाचार इस प्रकार है। अररिया लोकसभा उपचुनाव में राजद की ओर से सरफराज आलम ने भरा पर्चा। कदवा में चैनी ग्राम सत्र समारोह का किया गया आयोजन। कटिहार में एक बार फिर मनोरंजन का महाकुंभ और पूर्णिया में छात्रों एवं दुकानदारों में झड़प। अब खबरें विस्तार से। अररिया में राजद की ओर से उम्मीदवार श्री सरफराज आलम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद सरफराज आलम नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में एक जनसभा में गए और लोगों को साथ आने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि रफीक आलम, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के पुत्र शहनवाज आलम पोलो झा, अररिया विधायक अबिदुर रहमान, राजद जिला अध्यक्ष कमरुज्जमा सहित कई राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम तो सबसे पहले मरहूम के जितने कार्य पटरी पर आए थे उसको जमीन पर, वो रेलवे का मामला हो, मानंदा बेसिन हो और सीमांचल की जो बदहाली है, फटाहाली है, उसको मजबूती से लड़ने का काम करूंगा, पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे। लगता है कि इस बार चुनाव में आप कोई और मुद्दा होगा क्या, या सिर्फ यही? देखिए, मुद्दा तो अनेक है, लेकिन इस सीमांचल के सम्मान के लिए, सीमांचल के भाईचारा के लिए, सीमांचल के इज्जत और विकास के लिए आलम समर्पित है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में कदवा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चैनी ग्राम सत्र समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीण को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को रोकने के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष तमीजुद्दीन, प्रखंड शंभू कुमार मंडल आदि गणमान लोग मौजूद थे। कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज 16 फरवरी से कटिहार में एक बार फिर मनोरंजन का महाकुंभ प्रारंभ होगा। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेले के कार्यक्रम समन्वयक शब्बीर अहमद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी से स्थानीय राजेंद्र स्टेडियम के मैदान में एक्सप्रो मेला 2018 को प्रारंभ कर दिया जाएगा। गौरतलब हो कि यह मेला 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कुल 12 दिनों के लिए कटिहार में मनोरंजन का महाकुंभ लगेगा। इस व्यापार मेले में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपकी खरीदारी के लिए, आपकी जरूरत के, आपके घर में रोजाना काम आने वाले सामानों का, आपके नए नए शौक को पूरा करने का, आपके ऑफिस, आपकी दुकान को अत्याधुनिक ढंग से सजाने का, आपके पहनने का, कपड़ों का, जूते चप्पल का तथा इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा वह हर सामान उपलब्ध होगा जिसकी दरें भी काफ़ी किफ़ायती होगी। पूर्णिया में छात्रों में और दुकानदार में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र दुकान के पास से गुजर रहे थे, वहीं दुकानदार झाड़ू लगा रहे थे जिसका धूल उड़कर छात्रों पर पड़ रहा था, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई, जिसमें दुकानदार एवं छात्रों में तूतू मैमै हो गई एवं हाथापाई भी हुई। इसके बाद जब इसकी जानकारी कई छात्रों को मिली तो बहुत सारे छात्र वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। छात्रों का कहना है कि हमने दुकानदार को प्रेम से ही अपनी बात रखी और धूल न उड़ाने को कहा, लेकिन दुकानदार उल्टे गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट करने लग गए। इसी बीच पुलिस आकर बीच बचाव कर मामला को शांत कराया।